तेजस्वी के जनविश्वास यात्रा पर भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने जोरदार हमला किया है। कटिहार में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने राजद के जनविश्वास यात्रा के सवाल पर कहा कि इस यात्रा में असामाजिक तत्व और आपराधिक तत्व लोग शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव साजिश के तहत अपने भाई बहन को पीछे करने के लिए राजद को माई बाप की पार्टी कह रहे हैं, जबकि यह भाई बहन की पार्टी भी है, मगर तेज प्रताप और मीसा भारती को पीछे धकेल कर राजद पर कब्जा करने के लिए ऐसा कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के युवा अब सब कुछ समझ चुके हैं और वह भाजपा के साथ है। बताते चले कि बूथ स्तर पर युवा वोटर को पार्टी से जोड़ने के लिए भाजपा युवा मोर्चा इन दिनों विशेष कार्यक्रम चला रहे हैं। इसी को लेकर भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कटिहार आए थे। मैं देख रहा हूँ तेजस्वी जी जब यात्रा पे निकल रहे हैं तो बोल रहे हैं ये माई की पार्टी नहीं माई बाप की पार्टी है। मैं तो कहना चाहूंगा कि माई बाप की पार्टी तो ही है, भाई बहन की पार्टी है, और भाई बहन का नाम शायद इसलिए नहीं ले रहे तेजस्वी जी क्योंकि वो कहीं ना कहीं मीसा भारती को पीछे ढकेल के तेजस्वी तेज प्रताप को पीछे ढकेल के पूरी पार्टी भी कब्जा करना चाहते हैं। तो भाई बहन को हटा के माई बाप बोल रहे हैं। और रही बात युवा वर्ग की, तो आरक्षण उनके लिए क्या मायने रखता है? आरक्षण उनके लिए है कि जब पिता हटे तो माता बनी, माता हटे तो बेटी बेटी बनी राज्यसभा सांसद, बेटा बेटी बेटी के जगह फिर आगे बेटा को मंत्री उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया। पार्टी में क्या उनके आंतरिक लोकतंत्र तो है ही नहीं। दूसरा बात क्या, यादव समुदाय में कोई और सक्षम लोग नहीं हैं जाने के लिए? ये आंतरिक लोकतंत्र तो उनके पार्टी में ही नहीं, तो भारत के लोकतंत्र की रक्षा वो कहाँ से करेंगे? बिहार के लोकतंत्र की रक्षा वो कहाँ से करेंगे? यात्रा पे निकले हैं ठीक है, और जिस प्रकार से कटिहार में परसों जो यात्रा गुजरी है और जो कल से मैं घूम के सब जगह बात कर रहा हूँ सब लोगों से, जिस प्रकार से आपराधिक तत्व के लोग उनकी यात्रा में शामिल हो रहे थे, जो उदंडता का प्रदर्शन उन्होंने किया है, निश्चित रूप से यह निंदनीय है। कभी भी चुनावी आचार संहिता लग सकता है, चुनावी बिगुल बज सकता है, और जिस प्रकार से जनवरी में जब नया वोटर लिस्ट आया और उस वोटर लिस्ट का जब हम लोगों ने अवलोकन किया, एक बहुत बड़ी मात्रा में बहुत बड़ी तादाद में नवमतदाता न्यू वोटर्स इस बार जुड़े हैं। लगभग हर एक बूथ पे जहाँ अगर 700-800 वोट है तो वहाँ पे 100-125 का डिफ्रेंसेज आया है। 100-125 नए मतदाता जो फर्स्ट टाइम वोट करेंगे इंडिया में, उनका रजिस्ट्रेशन इस बार वोटर लिस्ट हुआ। 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत काफ़ी बदला हुआ है। हम लोगों ने एक लक्ष्य रखा है, एक मिशन रखा है युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने, कि सभी नवमतदाता न्यू वोटर्स के बीच हर एक शक्ति केंद्र पंचायत स्तर वार्ड स्तर पर जाके उनके साथ एक चौपाल करके 2014 के पहले क्या भारत था और 2014 के बाद का भारत, और जो हमारा लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और विश्व मित्र भारत का जो लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, उस लक्ष्य संबंधित विषयों को उनके बीच रखना। 2014 के बाद भारत में क्या काम हुआ, खेल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, इन सारे विषयों को हम लोग कल से लगातार उन लोगों के बीच इस कार्यक्रम को रख रहे हैं। यह युवा नमो युवा चौपाल कार्यक्रम लगातार 7 तारीख तक चलेगा। उसके बाद फिर युवा मोर्चा बूथ स्तर पर भी पार्टी को जिताने में और वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़े, एक ट्रेंड चला आ रहा है कि इधर बीच में शहरी क्षेत्र में वोटिंग परसेंटेज कमा है, युवा ही कहीं ना कहीं वोटिंग से थोड़ा दूर रह जा रहे हैं। इस बार फिर हम लोग एक जागरूकता अभियान भी चलाएंगे युवाओं के बीच में जाके कि कैसे आपका वोट का महत्व इस लोकतंत्र में है, आपके एक ही वोट का महत्व है, आप अपने मर्जी की सरकार चुने, अपने भविष्य के लिए सरकार चुने, इस सभी विषयों को लेकर उनके बीच जागरूकता अभियान भी हम लोग चलाएंगे। और निश्चित रूप से जो अभी हम वातावरण देख रहे हैं पूरे देश में, आज कटिहार में ही कल से मैं हूँ, जो वातावरण युवाओं के बीच है, निश्चित रूप से कटिहार लोकसभा के साथ साथ बिहार का 40 का 40 लोकसभा सीट और भारत में अब की बार 400 पार का जो नारा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, उस लक्ष्य को हासिल करते हुए हम लोग 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को निश्चित रूप से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हुए देखेंगे। देखिए, रोजगार का मतलब ये नहीं होता है कि सरकारी नौकरी। अगर देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम 60 लाख करोड़ का हो रहा है तो निश्चित रूप से अगर छोटा सा भी रोड बनता है तो उस रोड में बनाने के पीछे 10-20 इंजीनियर, 10-20 हेल्पर, मजदूर की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन पढ़े हुए लोग को भी 100-200 लोग को नौकरी मिलता है। अगर 60 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर काम पूरे देश में अगर हो रहा है तो निश्चित रूप से कम से कम 6 लाख युवा उससे जुड़े हुए होंगे रोजगार से। तो कहने का मतलब, अगर विकसित भारत परिकल्पना के साथ और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के साथ मोदी जी ने अगर सेगमेंट सिर्फ मोबाइल का पकड़ते हैं तो मोबाइल में भारत चाइना को पीछे छोड़ रहा है। अगर मोबाइल की फैक्ट्रियाँ यहाँ लग रही है तो उसमें काम कौन कर रहे हैं? आज के युवा ही कर रहे हैं ना।
जो भी स्किल इंडिया है, जो स्टार्टअप इंडिया है, आज 2014 के पहले 20 30 40 50 ज्यादा स्टार्टअप नहीं था, आज ये लाखों में स्टार्टअप पहुंच चुका है। तो ये कौन कर रहे हैं? ये तो युवा ही कर रहे हैं ना। तो ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, ये सरासर आंकड़े के साथ हम बात करने के तैयार है। आए तेजस्वी यादव हमसे बात करें आंकड़े के साथ, मैं उनको बताऊंगा कि आपने 1 लाख नौकरी की बात करते हैं शिक्षक में, तो उस 1 लाख में बिहार के युवा कितने हैं, कितने पांचवी वाले में माध्यमिक वाले में भी प्राप्त कर लिए नौकरी, प्रारंभिक में भी प्राप्त कर लिए और उच्च में भी कर लिए। उनको तो नौकरी एक ही जगह करना है, लेकिन उनका तो लिस्ट में 3 जगह नाम है। तो ये आंकड़ों का हेरा फेरी उन्होंने किया है, वो काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर युवा के विषय में सोचती है तो युवा को रोजगार भी उपलब्ध कराती है। सर देखिए, महंगाई की विषय ऐसा है, इस पे आप बार बार बोलते हैं कि इसका दाम बढ़ गया, उसका दाम बढ़ गया, लेकिन लोगों की आमदनी जो बढ़ी है, नेट ग्रोस जीडीपी जो बढ़ा है, उस पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जब आमदनी बढ़ती है तो लोग खर्च का दायरा भी बढ़ता है, तो उसमें ऐसा नहीं कि महंगाई है तो लोग खर्च नहीं कर रहे हैं, खरीद नहीं, महंगाई ऐसी कुछ नहीं है, ये बनावटी भ्रामक बातें विपक्ष के द्वारा फैलाई जा रही है। गरीबों का कहना है कि गैस तो दे दी मोदी जी, लेकिन गैस भरने का पैसा नहीं उनके पास। सर सब्सिडी तो मिल ही रही है उनको, ऐसा तो नहीं सब्सिडी नहीं मिल रही है। एक छोटा परिवार के लिए 7-8 सिलेंडर काफी है साल में। दूसरी बात, अब ऐसा है कि ध्यान में होगा आपको कि पहले अगर 400 रुपया सिलेंडर मिलता था तो उसके पहले 150 रुपया था, जब कांग्रेस सरकार आई तो 465 रुपया दी थी, तो वो 3 गुना बढ़ाई, 465 से हम तो सिर्फ 2 गुना बढ़ाए। कांग्रेस तो जब अपनी सरकार में आदरणीय अटल जी के बाद आई थी तो 3 गुना बढ़ाई थी सिलेंडर दाम, हमने तो उतना 3 गुना बढ़ाया नहीं। इस चीज़ की आप लोग को भी रेखांकित करने की आवश्यकता है कि उनके समय में सिलेंडर दाम 3 गुना बढ़ा था, और हमने तो वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए, जो गैस और तेल का चीज़ है, ये हमारा अपना राष्ट्र का सिर्फ नहीं है, ये वैश्विक परिदृश्य पे इसका निर्धारण होता है रेट का, उस हिसाब से तो हमने सिर्फ 2 गुना किया था।